तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही खबर से, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी। तेज बारिश के बाद वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, वहां से गुजर रही गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोग अपनी बाइक को धक्का लेकर ले जाते हुए दिखाई दिए बारिश के बाद। साइबर सिटी का ये हाल आप देखिए, जहां इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, कॉम्प्लेक्सेज हैं, वहां की तस्वीर देखिए कि कुछ घंटे की बारिश और पानी पानी हो चुका है गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से हाल क्या है, ये तस्वीरें आप देखिए। और ऊपर से लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से गाड़ियां निकाल पा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। जो दो पहिया वाहन है उनको ले जाने में काफी दिक्कतें आ रही है, ये तेज बारिश के बाद जलभराव है। और देखिए कैसे साइकिल को ये पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आसमानी आफत के आगे इस वक्त गुरुग्राम के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। तो गुरुग्राम में बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, बारिश की वजह से दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी हुई। आपको बता दें कि कल देर रात से हो रही बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मॉनसून के आने से पहले ही गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी नजर आई हैं। तो कई गाड़ियां सड़कों के बीच बंद हो गई। हालांकि बारिश से ये लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद। आपको बता दें कि जाम की स्थिति बनी हुई है गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर। पानी जमा होने की वजह से लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के ऊपर, और यहां पर आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक की हैं। और यहां पर ये जो जाम है, ये लंबा जाम इस वक्त लग चुका है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो बारिश के बाद जो जल भरा हुआ है, उसकी वजह से पूरे हाईवे के ऊपर जाम है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो खेड़की दौला टोल से लेकर के और जो हिरोंडा चौक तक है, यहाँ पर भी एक लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि नरसिंहपुर के पास जो सर्विस रोड है उसके ऊपर भारी बारिश जो है वो होने की वजह से काफी ज्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है कि ये बड़ा जो जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि उसके कारण हर बार हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लंबा जाम लग जाता है। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, और गुरुग्राम में हुई बारिश की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक से अपने काम पर जाने वाले लोगों को हो रही है। सड़क पर पानी भरने की वजह से ज्यादातर मोटरसाइकिलें सड़क पर ही बीच में बंद हो गई है, जिसके बाद लोग उन्हें किसी तरीके से धक्का देकर जाते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए गुरुग्राम से, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी है, और जिनके पास मोटरसाइकिल थी दो पहिया वाहन, उनको ज्यादा दिक्कत हुई। झांसी में लगातार दूसरे दिन हुई तेज बारिश के बाद पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, पूरे शहर में पानी ही पानी है। सड़कें जैसे सैलाब बन चुकी हैं, जिससे लोगों की परेशानियां दोगुनी हो गई है। पानी भरने की वजह से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटनों तक पानी में निकलने को मजबूर हो गए, और इतना ही नहीं, लोगों के घरों में पानी घुस गया, और बाजार में ज्यादातर दुकानें ऐसी जहां पानी पहुंच गया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए झांसी से, जहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है। बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये मेन बाजार है जहां पर किस तरीके के हालात हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही है आफत की। बारिश के आगे लोग बेबस हैं, और यहां पर आप देखिए कि काफी ज्यादा पानी है, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो दी, लेकिन बारिश के साथ हुए जल जमाव ने परेशानी खड़ी कर दी। महज 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जहां मूसलाधार बारिश के बाद डीएम दफ्तर और एसपी दफ्तर में कई फीट पानी भर गया। एसपी ऑफिस परिसर में जलभराव की वजह से फरियादियों से लेकर पुलिसकर्मियों तक को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा बुरे हालात विकास भवन में दिखाई दिए, जहां जलभराव के चलते एक बुजुर्ग नाले में गिर गया। हालांकि गनीमत यह रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। शहर के ये हालात तब हैं जब अभी तक मॉनसून आने में वक्त है, और ये बेमौसम आई बारिश है, जिसके बाद ही तस्वीरें वहां से ऐसी आ रही हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है। अभी तो मॉनसून ने दस्तक भी नहीं दी, और उसके पहले ही हाल बेहाल हो चुका है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गई हैं।
जिससे वहां लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में तो अंडरपास में बारिश का पानी भर गया, जिससे वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। एक स्कूटर और कई मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए, जिसके बाद वो सैलाब के बीच स्कूटर और मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर ले जाते दिखाई दिए। बताया गया कि मथुरा के ही दूसरे इलाकों में पानी से बचने के लिए लोग सड़क पर बने डिवाइडर पर चलने को मजबूर हो गए। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां झमाझम बारिश होती है और कुछ इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर झांसी की है, जहां बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सीतापुर से। वहां से जो तस्वीरें आई है वो हैरान कर देने वाली थी। डीएम दफ्तर और एसपी दफ्तर में कई फीट तक पानी भर चुका है। ये जो तीसरी और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कृष्ण नगरी मथुरा की तस्वीर है, जहां पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों की परेशानियों का जो है देखिए आलम क्या है कि लोग किस तरीके से अपनी गाड़ियों को खींचते ले जाते दिखे हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो ये बीच वाली तस्वीर है सीतापुर की, जहां पर ये प्रशासनिक जगहें हैं। मालूम है कि अगर बारिश होती है तो यहाँ पानी भर सकता है, तब भी निकासी के उचित निकासी के कोई उपाय नहीं किए गए। और ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको बता दें कि सीतापुर के इसी जगह पर पिछली बार भी जब बारिश हुई थी इसी तरीके से पानी भर जाता है। तो आम लोग तो जाएंगे, लेकिन अधिकारी भी इसी पानी में से निकलते हुए जाना पड़ेगा। तो पहली तस्वीर झांसी की, दूसरी तस्वीर सीतापुर की और तीसरी तस्वीर मथुरा की। भले ही इलाके अलग अलग हैं, शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक सी ही है। हर तरफ पानी ही पानी है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं और लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। इधर लद्दाख के लेह में अचानक आई बाढ़ ने वहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सैलाब की वजह से शहर में कई नाले उफान पर आ गए और वहां पानी की तेज धार बहती नजर आई। बाढ़ आने की वजह से सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया है। बताया गया कि लद्दाख के लेह में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वहां लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। शहर के बीच सड़कों में पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पानी के तेज बहाव ने वहां नाले की दीवार तोड़ दी, जिसके बाद राहत का काम करने वाले लोग बचाव करते वहां दिखाई दिए। सड़कों पर पानी भर चुका है, नाले उफान पर आ गए हैं और ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेह से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त हालात जो है वो बेकाबू है, क्योंकि नदी नाले सभी उफान पर हैं और गाड़ियां इस बीच पानी में रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। उधर राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाने गई एक बच्ची की डूबने की वजह से मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची लापता है। तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को लगाया गया है। बताया गया कि दोनों बच्चियां नदी में नहाने गई, इसी दौरान दोनों बच्चियां उफनते सैलाब में बह गई। राजस्थान के जालौर में तूफान बिपरजॉय के बाद हुई बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और बताया गया कि इसी उफनती नदी में दोनों बच्चियां नहाने गई थी, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बह गई। जानकारी मिलने पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक बच्ची को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जबकि दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और तालाब से दूर रहने की अपील की है। तो राजस्थान के जालौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बीते कई दिनों से वहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफान बिपरजॉय का असर दिख रहा है और ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और इसी नदी में दो बच्चियां नहाने गई थी, जिनमें से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची अभी तक लापता है।